आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लग सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड बिना किसी देरी के चलिए आइए देखते हैं BPSC के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 67वीं BPSC हुई और उसके जो है ये सेट डी है। ऑलमोस्ट सभी के सेट डिफरेंट होते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है, नंबरिंग चेंज रहता है। तो सेट डी का है और जैसा कि आप सभी को मालूम 67वीं BPSC जो है व्हाट्सएप पर वायरल होने के कारण क्वेश्चन लीक कर दिया, लीक होने के कारण जो कर दिया गया किसी के द्वारा वीर कुंवर सियारा में, परीक्षाएं रद्द हो गई और नई नोटिफिकेशन जल्द ही आएगी। संभावित 15 जून तक एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है। तो कैसा प्रश्न आया चलिए देखते हैं सेट डी BPSC का। देख सकते हैं पहला प्रश्न, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? करेक्ट आंसर इसका जहांगीर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में लागू की गई थी। अठारह के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कर में औरत किया गया था? BD सावरकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष एनी बेसेंट। बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत खान। 1850 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया, निमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई? तो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई। सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना किसने की? सच्चिदानंद संस्थान ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात में है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किरातुजीनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है? तो जियो सिस्निक लाइन। कौन सा मीठे पानी की झील है? तो कोई नहीं, सभी मीठे पानी की झील है। चिल्का, सांबर, बुलर, लोकत्ता, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी है एक या एक से अधिक। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का ग्रह जो है सबसे कम है। पश्चिम सिंह वो स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क। परिसीमा परियोजना निम्नलिखित नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन एस्कर और ड्रमिंग के संबंध में है? तो 1, 2 और 4। एस्कर क्रूड बेस्ड औरत की लकीरें हैं। ड्रमिंग ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं जबकि एस्कर ग्लेशियर के धाराधार निर्मित होते हैं। डबलिन ग्रम से क्रेश उत्पन्न होते हैं। तो भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? अभ्रक का भंडार गया में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। दामोदर कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील। ब्रह्म योनी हिल बिहार के जिले में स्थित है? तो गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक झीलें हैं? तो उत्तर पश्चिम। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है? तो पृथ्वी के आयाम की माप से। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए विनेगर के द्वारा। सुंडरा टेज किस पर दीप के समांतर स्थित है? तो जावा। एक प्रभावी कोरिओलिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कौन से देश मृत सागर के साथ भूमि सागर नहीं है? तो लेबनान। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित किसका खनिज है? टाइटेनियम।
तुलना के आधार पर हिमालय नदी की पराजित नदी से तुलना करें, तो एक और दो इसका आंसर है। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। 41 प्रश्न। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति नहीं चुने जाते, बाकी स्नातक शिक्षक निकाय पंचायत के सब सभी श्रेणी से चुने जाते हैं। इसमें भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किसे संबंधित है? तो नीति कार्यान्वयन, ठीक है। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका नियम विनिमय करने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्रवाई। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। एस आनंद 1990 के दशक में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या संविधान की अग्रणी सूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल नहीं है, पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी सभी शामिल है। 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की गई? उपयुक्त में से कोई नहीं या अधिक, एक से अधिक मांगें। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो प्रति वर्ष व्यक्ति प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो 20, 21 से 24, 25। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो योजना और कार्यक्रम करने के मंत्रालय सचिव। मिलान करना है। सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य से संबंध है। सी रंगराजन संबंधी गरीबी की माप की कार्यवाही समीक्षा के लिए है। और पूरक समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। नरसिंहम समिति जो है बैंकिंग सुधार से। राज्यों पर विचार करना है कि चावल उत्पादक का सही क्रम क्या है। तो सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल होता है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 और 3 इसका आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया गया है और सिफारिश से पुरस्कृत केवल सलाहकार है। बेयर नेसेटी इंडेक्स BNI के संबंध में कौन सा विचार कीजिए? तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वस्थानों पर बेयर नेसेटी इंडेक्स आया है और BNI छवि संकेतों पर आधारित है, ठीक है। कृषि बिहार में कृषि ग्रामीण और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि उत्थान बैंक। मानव विकास सूचकांक का मान था 2019 में तो 0.574। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक सभी प्राप्त करेंगे। चलिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 अभी तक केंद्रीय करों के विभाजन पुल में बिहार को कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12%। कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो सुदीप्त मंडले नहीं है, बाकी सभी लोग हैं। केंद्रीय बजट में FN बीमा का FDI जो है 50% था पहले, तब 74% बढ़ा दिया गया। राजकोषीय घाटा 21-22 में कितना प्रतिशत आकलन किया गया? 6.8%। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो बटकेश नहीं, सुरेश सेन। बंकिम चटर्जी का आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ घटना। अन 1937 में लाहौर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। चंपारण सत्याग्रह कौन सा संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है, बाकी सभी कोई है।
कुंवर सिंह नेता जो किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर के। यार हाल ही में विजय उत्सव मनाया गया जहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय 1922 में आयोजित गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? चित्रानंद दास। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1905 में सर्वेट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महागोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए बी आर अम्बेडकर। ये मैथ का है, लॉग रूट 2 32 का मान निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 10 है। इसी तरह 45 नींबू को 10 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। कला प्राप्त 24 में कितने बेचना चाहिए? करेक्ट आंसर 18 है। बहुत आसान इस सवाल है, सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, कमेंट से सारे बता देंगे। अभी समय कम है इसलिए फास्ट चला जा रहा है। सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, लंबे विकर्ण की लंबाई है 24 मीटर। अपना मिलान कीजिएगा। और 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रही है, कितने समय में? रागी को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करेगी। देखिए ये सब बताया गया है कि जब सेम डायरेक्शन में हो तो घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो जोड़ते हैं। देख सकते हैं जिस दिशा में यात्रा कर रहा है उसी दिशा में जो व्यक्ति भी चल रहा है, तो 98 में से 4 गया। अब घटा देंगे 54 और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चल वाला दूरी बता समय, और यही सब बातें हैं। इसी तरह इसका 7.7 पूर्णांक 1.3 सेकेंड हुआ। 100 मीटर की दौड़ में ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ता है, और बी 4 मीटर शुरू देता है तो 15 सेकंड में रहता है। बी की गति 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, ये घड़ी सुबह 8 मिनट की जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे प्रारंभ इंगित करती है? दोपहर 12:48। निरंतर भिन्न, तो इसका एक है आंसर करेक्ट। और 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है? 4, 5 और 6 से विभाज्य है तो 6। यदि अन धनात्मक पूर्णांक है तो विभाज्य हो गया 117। इसका आंसर है। 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है तो संख्या का योग कितना है? तो 628 और 372। चलिए अगले प्रश्न पे। यदि एक पंख रबर की गंद और एक लकड़ी की समान ऊंचाई से सतह पर गिर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ जो है जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये निर्वात में एक साथ गिर रहे हैं ना। जब दिन में पानी पर सावन की फिल्म में दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इसका घटना कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। नाभिक के दरमियान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या का योग होती है। सीमेंट का मुख्य घटक होता है चूना पत्थर। एक तत्व के सम स्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में करण। वह ताप जिस पर ठोस द्रव और गैस की अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है महत्वपूर्ण अयस्क है। पीएच का मान 7 से अधिक है यानी क्षारीय विलयन है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसमें से नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इनका दर नगण्य होता है। परमाणु तत्व तक परमाणु प्रोटॉन की संख्या है तो उपयुक्त में से कोई नहीं है सर्वाधिक, इसका आंसर है। गलत कथन का चयन करना है तो इसमें टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, गलत है, बाकी सब सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सही है। कपास गर्मी में कपड़े के रूप में उपयुक्त है, नमी का सूख करता है। ग्रेफाइट और हीरो के बारे में को कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वे मुक्त करते हैं, समझे? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ बदला सकता है तो बैक्टीरिया। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जा सकता है पराशय। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम का मुख्य घटक है? तो एक से अधिक सभी है, मीथेन, टेन, प्रोटेन, ब्यूटेन।
कीटबच्छी पौधे किसकी कमी से उगते हैं मिट्टी में? जो है तो कैल्शियम की कमी से उगते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा भोजन के भंडारण में भी मदद करता है। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच में संगीत पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। तो मस्तिष्क में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन तरह का उपयोग किया जाता है? तो पराधान्वित तौर में सार्वभौमिक स्वीकारक समूह है। तो ये भी निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो यानी वो अवतल दर्पण है। एक पंखा गर्मी का समय आराम की अनुमति प्रदान करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज वाष्पित हो जाता है। रात के समय खुले आकाश में तारों की टिमटिमाने को समझाता है प्रकाश का अपवर्तन। हाइड्रोजन बम किसके आधार पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। उच्च ताप के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब तो जल स्तर नहीं बदलेगा। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध सही नहीं है। बाकी वोल्टमीटर विभवांतर सही है। मीटर विद्युत दाब सही है। पोटेंशियोमीटर सभी सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसको शुरुआत की गई थी? निधि योजना किस तारीख को? तो 1 फरवरी 2009। ओलंपिक 2001 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने किसने पदक जीते थे? उन्नीस भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021 को। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति अमेरिका सैनिक कौन था? तो जनरल क्रिस्टोनोव। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट आपूर्ति की? डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020 में। पेगासस स्पाइवेयर किस देश से विकसित किया गया था? इजराइल में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो 1 जनवरी 2021। भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया तो रूस ने। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में संभाला पदभार। और गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि थे? कोई नहीं, या एक से अधिक इसमें कोई नहीं थे। यूएनए में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों में ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? बुलाई गई थी। कोई नहीं, एक से अधिक बोला मैं। बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? तो करण चैंपियन है। और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था बिहार सरकार को? तो कोविड-19 के लॉकडाउन में बिहार के फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 40 सीटें हैं। पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में। और 21-22 के लिए बिहार में बजट प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कोई नहीं है और इसका आंसर एक से अधिक हुआ है। बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंदर कितने विभाग शामिल है? तो 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार जो है। और कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट। अटल सुरंग जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर। किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2017 में। नागरिकता संशोधन 2019 मुख्य देश क्या है? तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संबंधित है तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। जम्मू और कश्मीर के राज्य विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो कश्मीर और लद्दाख दोनों की विधायिका नहीं है। 2021 के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? संदेश जिंगा। तो देखा आपने कुछ कुल मिलाकर 150 प्रश्नों का संकलन। स्पीड
थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कारण कि 150 प्रश्नों को आपको बताना था कम समय में। अच्छा जो है आपको मिले मटेरियल, या कोशिश शुरू से ही रही है कि अच्छे कम समय में अच्छे से अच्छे आपको जो है दी जाए मटेरियल। तो यही हमारी कोशिश थी बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करने की। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्यूरियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें और बने रहें, जुड़े रहें। ये बीपीएससी के 150 प्रश्नों का संग्रह था, 67वीं बीपीएससी 8 मई 2022 को जो हुई, जिसके परीक्षा जो है लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है, और आगामी परीक्षाएं 15 जून तक होने की संभावना है। अब देखना है क्या ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाती है कि ऑफलाइन। कयास ये भी लगाया जा रहा है कहीं ये परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं ली जाए, कुछ भी हो सकता है। कयास ये भी लगाया जा रहा है क्या वो सभी अभ्यर्थी बैठेंगे इस परीक्षा में फिर से, या जो इसमें अपेयरिंग हुए थे वही अभ्यर्थी बैठेंगे। अब क्या क्या कयास तो बहुत लगाए जा सकते हैं, अब देखना है। ऐसा नहीं, विभाग को भी लीकेज से 7 करोड़ के खर्चे आ सकते थे, ऐसे 2-3 करोड़। विद्यार्थियों को भी काफ़ी खर्च हुए, 30 करोड़ ऐसा अनुमान लगाया गया। तो काफ़ी सभी के लिए नुकसानदेह हुआ, चाहे परीक्षार्थी हो चाहे विभाग हो, सभी का नुकसान हुआ। इस परीक्षा के लीक के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है और जांच जारी है। आर्थिक अपराध इकाई जो है, यू एक टीम SIT गठन करके पकड़ रही है उन लोगों को कि जो वहाँ आरा में जो लीक हुआ सेंटर से, उसमें वीडियो वगैरह पकड़ाए हैं। अब धीरे धीरे कई IAS जो है इसमें शामिल नज़र आ रहे हैं, तो वो सभी लोग चिन्हित किए जाएंगे। वो मोबाइल पकड़ा जाएगा जिस मोबाइल से वायरल किया गया था, किसने भेजा, कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने में डील की गई थी। अब जो भी है सभी चीज़ें हैं, अभी यही सब चल रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें और अच्छा प्रिपरेशन करें। अब फिर से अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपना बेस्ट दें फिर से, और बेस्ट अपलॉक ऑल ऑफ यू। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे। क्यूरियो कमेंट के माध्यम से जरूर दें और अपने स्टडी को बूस्टअप करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।